Now next one about arithmetic operators in C. There are 5 types of arithmetic operators provided by C, like arithmetic multiplication, division, modulo, plus or subtraction, or we can say also minus, arithmetic minus operator. If you want to perform any types of calculations upon a data or any types of arithmetic operations upon a data, then you should go for arithmetic operators. There are 5 types of arithmetic operators. In case of first of rule, priority rules. Priority rule, beginning 3 operators having same priority arithmetic operators, or highest priority arithmetic operators. Priority wise बात करें, multiplication, division and modulo का priority हुआ exactly same priority. Priority of plus and minus having same priority, but it have least priority compared to multiply, division and modulo. इन ऑपरेटर्स को मैंने सेपरेटली लाइन में राइट किया फॉर टू रिप्रेजेंटिंग नेम ऑफ द ऑपरेटर, बट इट हैज सेम प्रायोरिटी, सेम एज प्लस एंड माइनस हैविंग सेम प्रायोरिटी. प्रायोरिटी आल्सो नोन एज प्रेसिडेंसी, बट एसोसिएटिविटी रूल, अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर सेम प्रायोरिटी अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑकर होते हैं, देन इनको सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन एसोसिएटिविटी रूल. एसोसिएटिविटी रूल फॉलो हुआ इस केस में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगर किसी भी एक्सप्रेशन में सेम प्रायोरिटी अर्थमेटिक ऑपरेटर अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस और ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी समथिंग, सम एक्सप्रेशन. इस केस में देखा जाए तो टोटल 3 ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, प्लस माइनस एंड प्लस. हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है? ऑल ऑपरेटर्स हैविंग सेम प्रायोरिटी. सेम प्रायोरिटी तो इस केस में अप्लाई करेंगे एसोसिएटिविटी रूल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट सबसे पहले सॉल्व होगा ए प्लस बी, मीन्स एट ए टाइम ओनली सिंगल ऑपरेशन सॉल्व करना पॉसिबल होगा. ए प्लस बी एज इन रिजल्ट इज 1 R1, देन माइनस सी प्लस डी. नेक्स्ट टाइम अगर लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने चांस किसको मिलेगा? लेफ्ट टू राइट सबसे पहले ऑकर होगा माइनस ऑपरेटर, देन अगेन ऑपरेशन अप्लाई होगा रिजल्ट ऑफ प्रीवियस एक्सप्रेशन माइनस सी, देन अगेन कंसिडर रिजल्ट टू, रिजल्ट टू प्लस डी. नेक्स्ट टाइम अप्लाई होगा प्लस ऑपरेटर, फाइनली समथिंग रिजल्ट एज 3. दीज आर अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. नेक्स्ट वन, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जनरली अगर डेटा टाइप्स के रिस्पेक्ट में बात करें, इट कैन बी अप्लाइड एनी टाइप्स ऑफ ऑपरेंड, मे बी कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और डबल, एक्सेप्टिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर्स. मॉड्यूलो ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड अपॉन अ फ्लोट और डबल टाइप्स ऑफ नंबर्स और डबल टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फ्लोट्स और डबल्स, लाइक 7 modulo 4. हेयर 7 एंड 4 बोथ आर इंटीजर, देयरफॉर इट इज वैलिड एक्सप्रेशंस, बट 7 modulo 4.0 it is invalid expression, because modulo operator is not applicable for decimal numbers or float or double types of numbers. Next one, सबसे पहले arithmetic के basic property explain करेंगे, one by one कुछ example solve करेंगे. After that some popular application developed by using arithmetic operators. So what is the use of arithmetic? Generally addition, प्लस और माइनस की बात करें, जनरली आप यूज करो इसको फॉर एडिशन पर्पज और सब्ट्रैक्शन पर्पज, सेम एज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर्पज. इसके अलावा इसके सारे अदर एप्लीकेशन रिप्रेजेंट करेंगे. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, आफ्टर दैट सम प्रोग्राम, मीन्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके किस टाइप्स के प्रोग्राम्स डेवलप करना पॉसिबल है. फर्स्ट ऑफ ऑल इनके मैं वर्किंग शो करूँ आपको, व्हाट इज द वर्किंग और ये ऑपरेटर्स किस टाइप के सिचुएशन में आपको हेल्प करेंगे. प्रायोरिटी वाइज बात करें, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है? आउट ऑफ 5 अर्थमेटिक्स हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टेकन बाई मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो. लीस्ट प्रायोरिटी इज टेकन बाई प्लस एंड माइनस. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस, प्लस को आप जनरली यूज करो टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन और सम अदर काइंड ऑफ ऑपरेशन. माइनस, माइनस के किस बात करें, वी कैन परफॉर्म एडिशन विदाउट यूजिंग प्लस ऑपरेटर, लाइक दैट माइनस
a plus b some operation performing subtraction operations without using plus operator. अगर plus operator ना आपको addition operation perform करना है, then use क्या करो इसके से इसका alternative way write कर सकते हो. Logical way a minus space minus b. Here सबसे पहले अगर minus की बात करें तो minus का type क्या है यार, minus is a unary not a binary. जब unary minus का multiplication हुआ तो convert किसमें जाएंगे, binary plus. Because minus और minus का multiplication क्या हो plus, तो it is equivalent to addition operation. Without using plus operator भी subtraction perform करना possible. Same as without using minus operator addition perform करना possible हुआ. जैसे इस problem को solve करेंगे in case of bitwise operators. Next, what is the use of multiply? What is the use of division? What is the use of modulo operator? First one. अगर आपके पास कोई नंबर अवेलेबल है, नंबर ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, देन यूज करोगे दैट ऑपरेटर्स. फर्स्ट वन फोर है, व्हिच टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, सम नंबर एज 465 लाइक दैट सम नंबर. अगर नंबर के केस में डिजिट ऑपरेशन से अप्लाई करना, लाइक रिमूविंग अ डिजिट, इंसर्टिंग अ डिजिट, रिवर्सिंग अ नंबर्स, चेक द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, डिस्प्ले सम ऑफ द डिजिट्स लाइक दैट. इस टाइप के सारे एप्लीकेशन थ्री ऑपरेटर के हेल्प से परफॉर्म करना पॉसिबल है. वन बाय वन इनका एप्लीकेशन या वर्किंग शो कर रहा हूँ. इन दैट केस अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट रिमूव करना है, इफ यू वॉन्ट टू रिमूविंग लास्ट डिजिट, फॉर एग्जाम्पल डिवाइडिंग दिस नंबर बाई 10. अगर इस नंबर को 10 से डिवाइड करें तो उसका डिवीजन क्या आएगा, मीन्स इंटीजर डिवीजन की बात कर रहा हूँ, नॉट अ डेसिमल डिवीजन. डिवाइड करो अप टू ओनली इंटीजर डिवीजन. फर्स्ट टाइम 10 मल्टीप्लाई बाई 4 इज बिकम्स 40, सब्ट्रैक्टेड बाई 46, रिजल्ट इज 6. आफ्टर दैट कैरी इज 5, देन अगेन 10 मल्टीप्लाई बाई 6 बिकम्स 60, सब्ट्रैक्शन आफ्टर सब्ट्रैक्शन रिमाइंडर इज 5. देन 5 को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ओनली इंटीजर डिवीजन. तो इस केस में अगर किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना है, तो इस केस में 10 से डिवाइड करने पर डिवीजन क्या होना है इसका, ऑल डिजिट्स एक्सेप्टिंग लास्ट. अगर आपको लास्ट डिजिट डिलीट करना है, देन यूज क्या करोगे, डिवीजन ऑपरेशंस. अगर आपको लास्ट डिजिट का वैल्यू एक्सेस करना, चेक कर सकते हो इस केस में क्या मतलब आपको लास्ट डिजिट, तो इस केस में यूज करेंगे मॉड्यूलो ऑपरेटर. मॉड्यूलो विल प्रोवाइड रिमाइंडर और डिवीजन प्रोवाइड्स डिवीजन ऑफ द ऑपरेशंस. फाइनली इसका मीनिंग क्या होगा, अगर लास्ट डिजिट को डिलीट करना है, देन डिलीट करने के लिए और रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, डिवीजन. लास्ट डिजिट का वैल्यू रीड करना, चेक द लास्ट डिजिट, देन यूज डिवाइडेड बाई, सॉरी मॉड्यूलो बाई 10. फर्स्ट वन नंबर मॉड्यूलो बाई 10 provides the results or it is used to reading value of last digit, read operations. अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट रीड करना है, तो यूज क्या करेंगे, मॉड्यूलो ऑपरेशंस. नेक्स्ट वन सेम एज, अगर लास्ट डिजिट को डिलीट कराना है, रिमूविंग लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को रिमूव करने के लिए यूज करेंगे डिवाइड बाई 10 ऑपरेशंस. सेम एज अगर लास्ट प्लेस पर न्यू डिजिट इंसर्ट करना है, लाइक 5, मुझे इस प्लेस पर इंसर्ट कराना है एज अ न्यू डिजिट एज 5 इन दैट प्लेस, और यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पर कोई भी लास्ट डिजिट इंसर्ट कराने के लिए सिंपली लॉजिक क्या होगा, गिवन नंबर मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस इंसर्टेड डिजिट. अगर 5 इंसर्ट कराना तो डी के प्लेस पर यूज क्या करेंगे, 46 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 5, दिस मल्टीप्लीकेशन बिकम्स 460, आफ्टर दैट प्लस 5, now result is 465. Now multiplication is similar to inserting new digit at unit place. इस अगर आपको कोई भी insertion new digit insert करना है, then operation perform करेंगे number multiply by 10 plus inserted digit. This operation will provides inserting a new digit at unit place. All operations are applicable only for लास्ट डिजिट ऑपरेशंस और लास्ट डिजिट ऑपरेशंस. क्लियर, वन बाय वन इसके रिस्पेक्ट में प्रोग्राम सॉल्व करने हैं आपके लिए. मोस्टली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑलमोस्ट सेम है, सेम एज मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, बट हियर मॉड्यूलो इज न्यू फॉर यू, मॉड्यूलो इज न्यू फॉर यू. नेक्स्ट मोर अबाउट मॉड्यूलो ऑपरेटर्स इन डिटेल्स.
मॉड्यूलो ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में बात करें, जनरली डिवीजन ऑपरेटर के थ्रू आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, क्यूशियंट। बट अगर आपको डिवीजन रिमाइंडर रिक्वायर्ड है, रिमाइंडर को एक्सेस करने के लिए यूज करेंगे ऑलवेज मॉड्यूलो ऑपरेटर। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट कैन बी एप्लीकेबल ओनली फॉर इंटीजर और कैरेक्टर्स, मीन्स इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डेसिमल नंबर्स। सम रिजल्ट, सम ऑपरेशन, 7 मॉड्यूलो y 4, माइनस 7 मॉड्यूलो y 4, 7 मॉड्यूलो माइनस 4 एंड माइनस 7 मॉड्यूलो माइनस 4, टोटल 4 ऑपरेशंस हैं। चेक करेंगे व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस। अगर आप ये पर्टिकुलर रिजल्ट्स प्रिंट एफ में सप्लाई करो, किस टाइप के रिजल्ट्स दिए जाओ, फर्स्ट केस क्या है, 7 डिवाइडेड बाई 4, मीन 7 में इस केस में जब डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 7 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका मल्टीप्लीकेशन 7 से छोटा होना चाहिए। 1 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 4, प्लस मल्टीप्लीकेशन के बाद जो भी रिजल्ट जनरेट हुआ, रिजल्ट और न्यूमरेटर का साइन एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। न्यूमरेटर क्या इसके इसमें 7, 7 का साइन क्या है प्लस, तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन के बाद रिजल्ट का साइन भी क्या होना चाहिए, ऑल्सो प्लस। आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन, 7 माइनस 4 इज 3, हेयर डिवीजन इज 1 एंड रिमाइंडर इज 3, इसके इसमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 3। नेक्स्ट ऑपरेशन, माइनस 7, हेयर साइन ऑफ न्यूमरेटर इज नेगेटिव और माइनस, यानी इसके साथ 4 में मल्टीप्लाई किससे हुआ, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हुआ जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू न्यूमरेटर के एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटा होना चाहिए, प्लस साइन कैसे होना चाहिए एग्जैक्टली सेम। अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो देन क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4, बट हेयर साइन इज डिफरेंट। सेम साइन इंप्लीमेंट करने के लिए आप यूज क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज माइनस 4। After that, change the sign. Sign change करेंगे, माइनस 7 प्लस 4 इज माइनस 3। Then what about remainder? Here remainder is माइनस 3. Remainder is माइनस 3. Next one, माइनस 4 modulo y, 7 modulo y माइनस 4. इस केस में numerator का sign क्या है? Already positive. Positive है तो multiplication भी किस form में आना चाहिए? Positive format में. Therefore, multiply by माइनस 1. माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4, माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव मीन्स प्लस 4, देन सब्ट्रैक्टेड बाई 7, देन रिमाइंडर बिकम्स 3, हेयर रिमाइंडर इज 3 नॉट अ माइनस 3। नेक्स्ट वन, लास्ट केस, माइनस 4 मॉड्यूलो बाई माइनस 7, इस केस में साइन ऑलरेडी सेम है इसलिए डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन किससे हुआ, 1 से, 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4 इज माइनस 4। After that addition remainder is minus 3, then result is minus 3. This is the all about modulo operators. Clear? Note down this. Again we are expecting some more examples regarding arithmetic operators. First of all, basic arithmetic operations regarding objective questions. After that we are performing some programs.